शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मामला चूंकि बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ है, लिहाजा तमाम बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। एक प्रोटोकॉल भारत सरकार के द्वारा निर्गत है कि किन परिस्थितियों में और किन प्रोटोकॉल के तहत स्कूलों को खोला जा सकता है, विश्वविद्यालयों को खोला जा सकता है। तो एक हम थोड़ा सा क्रॉस कंट्री में कंपैरिजन भी करके देखना चाह रहे हैं कि किन किन राज्यों के द्वारा विद्यालयों को खोला गया है। देखिए, राज्य सरकार बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि ये जिंदगियों से मामला जुड़ा हुआ है, जीविका से जुड़ा हुआ है और हमारे बच्चों की शिक्षा से और उनकी सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ है। तो इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए मैं समझता हूं कि सरकार के स्तर से जो उचित निर्णय होगा यथाशीघ्र लिया जाए। तो बिहार सरकार स्कूल कॉलेज के साथ ही कोचिंग संस्थान भी खोलने को लेकर के विचार कर रही है और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज होने वाली 4 बजे से जो बैठक है वो इस मुद्दे पर चर्चा के साथ ही होगी। शिक्षा विभाग कोचिंग खोलने को लेकर यूपी और हरियाणा मॉडल पर विचार कर रहा है। शिक्षा विभाग जिस मॉडल पर इस वक्त विचार कर रहा है वो है यूपी और हरियाणा का। यूपी सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के साथ अनुमति दी हुई है, कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति इन दोनों ही राज्यों में इस वक्त इस कोरोना गाइडलाइंस के साथ है और बिहार के कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर अब कवायद जो है वो बेहद तेज होती हुई और इस दिशा में आज शाम 4 बजे की बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब जब बिहार सरकार कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर बिहार यूपी मॉडल पर विचार कर रही है तो ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या कोचिंग चलाने का यूपी हरियाणा मॉडल है। आखिर क्या यूपी हरियाणा में बड़े हॉल में कोचिंग चलाने की अनुमति दी गई है। एक बेंच के दोनों किनारों पर एक एक छात्र बैठेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। 40 बच्चों के बेंच में एक से दूसरे छात्र के बीच कम से कम 6 गज की दूरी होगी। क्लास 9 से ऊपर के ही छात्र कोचिंग जा सकते हैं। मास्क और सैनिटाइजर पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। क्लास के दौरान बीच बीच में हाथ सैनिटाइज करना जरूरी होगा और यूपी हरियाणा में बड़े हॉल में कोचिंग चलाने की अनुमति में के तहत ये तमाम गाइडलाइंस जो हैं वो सामने रखे गए हैं। और अब इसी के मद्देनजर इन तमाम बिंदुओं पर बिहार में क्या कुछ किया जा सकता है क्योंकि सीधा ये मसला जो है वो बच्चों की सेहत से और जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, आज शाम 4 बजे की होने वाली बैठक कई दृष्टिकोणों से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु जिसमें बच्चों की जान पर किसी तरह की आफत ना आए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस वक्त सरकार की। देखिए, पिछले एक माह से लगातार जो कोचिंग संस्थान है पटना में वो तमाम लोग जो है सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि जल्द से जल्द अनुमति मिले। सरकार ने कल भी बैठक की थी और मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में प्रधान सचिव आपदा और प्रधान सचिव शिक्षा ने बैठक में भाग लिया था, जिसके बाद कल बैठक बेनतीजा निकला। लेकिन आज फिर से अहम बैठक होने वाली है शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जो मुख्य सचिव हैं वो कई बिंदुओं पर विचार करेंगे, खासकर कल बात करें अगर आपने कहा भी कि यूपी और हरियाणा मॉडल में, तो यूपी और हरियाणा मॉडल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से यहाँ पर जो कोचिंग है वो मानक को पूरा करते हैं कि नहीं, तमाम बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। कोचिंग संस्थानों से पूरा ब्यौरा मांगा गया है कि आपके पास जो मानक है उसके आधार पर आप कितने सक्सेस करेंगे। जाहिर है यहाँ पर जो रजिस्टर्ड कोचिंग है उसकी भी जो है संख्या जुटाई जा रही है, साथ ही पूरा ब्यौरा मांगा गया है। अब ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। बिहार में अगर बात करेंगे तो तकरीबन 11,000 कोचिंग संस्थान हैं। ऐसे में राजधानी पटना में जो रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थान है उनको रजनीश सर ये क्लैरिफाई कीजिए, ये बताइए तो क्या ये माना जाए कि जब बैठक में अगर कोचिंग संस्थानों स्कूल कॉलेजों के जो मांग है उसके अनुसार अगर फैसला भी आता है तब भी ये छूट सिर्फ उन संस्थानों को मिलेगी जिनके पास संसाधन मौजूद होंगे? देखिए,
बिल्कुल, ये सबसे अहम सवाल है। और आपको बता दें कि पटना में जिस तरह से गली गली में कोचिंग संस्थान है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, छोटे कमरे हैं, यानी हरियाणा मॉडल की अगर बात करेंगे, यूपी मॉडल की, तो एक कमरे में मतलब 40 बच्चे वाली क्लास में 6 गज की दूरी अनिवार्य है, साथ ही एक बेंच पर 2 ही बच्चे बैठेंगे, जो कि फिलहाल पटना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मानक है, वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने इन्हीं सब बिंदुओं पर कल विचार किया है और कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन भी लग रहा है कि आखिर यहाँ पर जो मानक है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं। बता दें आपको कि बच्चों में मास्क लगाने की जो शुरुआत हुई है, उसमें भी जो शुरुआत है उसमें काफी कम मात्रा में, काफी कम संख्या में जो मास्क है उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में भी एक डर है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके सेहत के साथ कोई नुकसान नहीं हो, इसको लेकर भी विचार किया जा रहा है। आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है। पहले भी बता दें आपको, आखिर में क्या ये भी माना जाए कि तमाम फैसलों के बाद सब मुद्दे जो आकर पेरेंट्स के कंसेंट पर टिक जाएंगे, उनकी सहमति के साथ ही बच्चे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था 2 माह पहले ही कि जिस तरह से क्लास 9th से ऊपर के बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके लिए भी पेरेंट्स की सहमति लेनी जरूरी है। तो ऐसे में फिर से शिक्षा विभाग ने जो पत्र जारी किया है, उसमें पहले भी कल जो बैठक में भाग लेने वाले अधिकारी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि सहमति पत्र लेना और भरवाना अनिवार्य है। ऐसे में पेरेंट्स पर ही डिपेंड करेगा कुल मामला कि आखिर पेरेंट्स बच्चे को कोचिंग संस्थान या फिर स्कूल भेजने पर सहमति जताते हैं कि नहीं। तो आज के बैठक के बाद पहला चीज ये जानना जरूरी होगा कि आखिर कोचिंग संस्थान और स्कूल को चलाने की अनुमति मिलती है कि नहीं। दूसरा ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को कोचिंग संस्थान जाने के लिए सहमत होते हैं कि नहीं। तमाम बिंदुओं पर आज शाम तक फैसला हो जाएगा, लेकिन कोचिंग संस्थान भी मानक पूरा करते हैं कि नहीं, इसको लेकर बिल्कुल अगर ये फैसला आता भी है तो कितने संस्थान मानकों पर खरे उतरते हैं, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। इधर झारखंड सरकार ने 21 दिसंबर से ले 10वीं और 12वीं की क्लास के छात्रों के लिए स्कूल को ऑफलाइन क्लास देने की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये सुविधा केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को ही मिली हुई है। इसके लिए विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी, साथ ही इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगे। स्कूल संचालन के लिए सभी को केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से जारी आदेश का पालन करना होगा। इन स्कूलों में अभिभावकों को बोर्ड परीक्षा में पंजीकरण की सुविधा मिल सकेगी और इसके अलावा झारखंड सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेजों में भी यूजीसी के गाइडलाइन के मुताबिक क्लासेस शुरू करने की इजाजत दी है। साथ ही सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को भी शुरू करने की मंजूरी हासिल हुई है। तो 21 दिसंबर से सीनियर स्कूल जो है वो खुल जाएंगे, ये तारीख है झारखंड में स्कूल खुलने की, लेकिन ये सीनियर स्कूल्स के ऊपर ही है सिर्फ लागू, जिसमें 10वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाई करने के लिए अब इजाजत मिली है कि वो ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेस करते रहेंगे। ये वो फैसले की बड़ी बातें हैं। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की मंजूरी यानी कि उनका कंसेंट जरूरी होगा। कोविड पर जो नियम अब तक जारी किए गए हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। बोर्ड परीक्षा में पंजीकरण की सुविधा हासिल होगी। सीमित संख्या में शिफ्टों में स्कूल छात्र जो आ सकते हैं। मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कॉलेज शुरू हो जाएंगे 21 दिसंबर से। यूजीसी के गाइडलाइंस के तहत ही यहां कॉलेजों में पढ़ाई होगी और सरकारी प्रशिक्षण संस्थान की भी शुरुआत होगी।